हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपकी जो रीडिंग है ये हम आज की करने वाले हैं। आपके पार्टनर सेक्सुअली आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक, तो आज की रीडिंग हमारे कुछ इसी तरीके से रहेगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनके इमोशंस, फीलिंग्स और सेक्सुअल फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं हम आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और हो सकता है थोड़ी सी लाइट कम हो बट परफेक्ट दिख रही है ना। तो आज की रीडिंग में हम टोटली देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, सो देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। चलिए निकालते हैं कार्ड्स। गाइड करें यूनिवर्स, एंसेस्टर्स प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके ओके, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, द गार्डन। वर्दीनेस। लाइफ पर्पस। द डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन। द गार्डनर का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एंड है मेरे पास इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है। ओके, सो ये दो कार्ड को अलग रखते हैं। देखिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को मैं देखूं ना, काफी कुछ चीजें मुझे काफी क्लियर दिखाई दे रही हैं, काफी कुछ चीजें मुझे काफी ज्यादा क्लियर वे में दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी जो भी है, फीलिंग्स जो भी हैं, इमोशंस जो भी हैं, है ना, बहुत अलग की हैं, बहुत ज्यादा अलग। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना अभी फिलहाल जो है ना, अभी फिलहाल जो भी है ना, आपके पार्टनर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर। ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ चीजें हुई हैं, अभी तक जो भी कुछ चीजें हुई हैं, उनको संभालना तो पड़ेगा, है ना, संभाल करके उन सारी चीजों को करना तो पड़ेगा, उन सारे इमोशंस को, उन सारे चीजों को संभाल करके, अपने आप को संभाल करके, है ना। एक होता है ना कि हाँ स्टार्टअप करते हैं, तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके कार्ड्स में। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है, जैसा भी है ना, वो सही किया जा सकता है, लेकिन आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि यस। देखो, ये पर्सन के अंदर सेक्सुअल चीजें होती हैं जब ये पर्सन आपको देखते हैं, बिना देखे इस पर्सन को वो चीजें नहीं हो पाती। जैसे कि आपकी कोई पिक्चर देख ली, आपको देख लिया, है ना, सो ये पर्सन को काफी ज्यादा है, उन सब में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी फिलहाल जो सोच रहे हैं ये पर्सन आपके फेवर में सोच रहे हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि मतलब वो कहाँ है, कैसी है या कैसा है, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है उसके। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है, बट जिनका कॉन्टेक्ट में है वो लोग भी परेशान हैं आपके लिए। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी सीरियस हो चुके हैं। अब वो सीरियसनेस मुझे काफी ज्यादा नजर आ रही है, ऐसा लगता है जैसे कि सीरियसनेस जो है ना, हाई लेवल की सीरियसनेस मुझे नजर आ रही है। देखिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा फील होता है जैसे आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के, एक होता है ना कि जल्दी से कोई इंसान बोल देता है, लेकिन आपके पार्टनर जल्दी से बोलने वाले पर्सन नहीं है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को काफी हाई मेंटेन करना जरूरी है, और हाई मेंटेन करते रहे आपके पार्टनर,
मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ जो कनेक्शन है उसको कनेक्शन को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो यस, मुझे नजर आ रहा है ये पर्सन की एनर्जी मुझे काफी ज्यादा क्लियर हो रही है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है, जैसा भी है ना, ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, या हाई एक्सपेक्टेशंस इनकी बहुत ज्यादा है आपसे। मतलब खुद तो कुछ नहीं करेंगे, आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मतलब जो होना है ना आपसे हो, आप करके दो, ठीक है, तब ये ठीक है यहाँ का रिलेशन, ऐसा मुझे फील हो रहा है आपके कार्ड्स में। मुझे ये भी एनर्जी फील होती है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर के काफी जो एक होता है ना कि इनके अंदर ये सीरियसनेस तो है ही, लेकिन मुझे ये भी फील होता है कि यस, आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती पे बहुत फिदा है। मन की खूबसूरती हो, तन की खूबसूरती हो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप जो डिजर्व करते हो, जो खूबसूरती डिजर्व करते हो, या जिस तरीके की आपकी आवाज है, वाओ, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड इसलिए भी हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप और ये सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ जिस तरीके से बनती है, जिस तरीके से आप दोनों के बीच का कनेक्शन होता है, जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, या जितना ज्यादा क्लोज आते हैं उतनी ज्यादा जो आप दोनों के बीच में जो गहराई फील होती है, जिस तरीके से गहराई आप दोनों की होती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग की, वो अंडरस्टैंडिंग की गहराई हर किसी से तो नहीं बन पाते ना, है ना। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इमोशंस, है ना, वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिस तरीके का प्यार है, जिस तरीके की एनर्जी है, जिस तरीके का एक जो होता ना कि तकलीफ में आना इंसान, दर्द में आना, और बहुत सारी कुछ चीजें होना, है ना, तो वो चीजें मुझे नजर आ रहा है कि हाँ, आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ गई है, डिस्टर्बेंस है, ठीक। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड सा कुछ देख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सी चीजें कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। सो वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। द गार्डनर का कार्ड यहाँ पे मुझे काफी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है आपके पार्टनर जो है ना, मुझे देखिए, ये पर्सन आपका ख्याल रखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि आपकी केयर कर रहे हैं या केयर करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, आप में कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है कि हाँ, आप में कहीं ना कहीं है, मतलब जो भी है ना, इनके इमोशंस है, फीलिंग्स है, या जो भी है आपके साथ, इनको एक हाई एनर्जी फील होती है कि हाँ, आप और ये परफेक्ट है, ठीक है। सो ये इस तरीके की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि यस, आपके पार्टनर को जो एक वाइब आती है ना कि हाँ, मुझे इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, सोचना ही चाहिए, सो वो एनर्जी मुझे क्लियरली नजर आ रही है आपके कार्ड्स में, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर के काफी श्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं काफी ज्यादा, और ये पर्सन को लगता है कि आप में कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो ऐसी बात है जिसे ये पर्सन आपके तरफ आते हैं, या ये पर्सन का आपके तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक। वो चीजें मुझे काफी ज्यादा मतलब फील होती हुई दिख रही हैं, काफी कुछ चीजें जो है ना दिख रही हैं मुझे, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि यस, आपके पार्टनर को आपके साथ ऐसा फील होता है। देखिए, ये पर्सन सेक्सुअली सोचने की बात है तो सेक्सुअली सोच तो रहे हैं, वही आपके बाल काफी ज्यादा पसंद है आपके पार्टनर को, बाल, है ना, आपने हेयर कलर करवाया है, यस, बाल लिया है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है कि यस, यस, आपने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर के आपके पार्टनर डीपली सोच रहे हैं, डीपली सोच करके। एक होता है ना कि हाँ यार, कितनी खूबसूरत है, रब ने बनाया है उसे बहुत बेहतरीन, एकदम से जैसे कहते हैं ना, उम्दा बनाया है, है ना, तो वो वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। द स्टार की एनर्जी एकदम से सेक्सुअल एनर्जी है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कार्ड्स जो आए हैं ना, यहाँ पे देखो, कार्ड्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि एक होप नजर आ रही है आपके पार्टनर को। जब ये पर्सन सोच रहे हैं ना आपके बारे में, ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन कितना ज्यादा जो एक होप खो गए थे, है ना, ये पर्सन एक तरीके से होप खो गए थे। अगर आप देखेंगे इन कार्ड्स में, फोर ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, होप एंड लॉस दोनों का कार्ड है, एकदम जिसे होता है ना कि जैसे कि उम्मीद खो जाती है, उम्मीद मतलब टूट जाती है, उम्मीदें लगते हैं जैसे कि अब जो है ना, ये उम्मीदों का होना ना होना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक मुझे ऐसा फील होता है कि यस आपके पार्टनर को बहुत पेन हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे कि अब जो है ना, जो भी है जैसा भी है, नहीं होना चाहिए था ये, मतलब ये ना बहुत 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 टाइम पहले ही हो जाना चाहिए था, जो भी है जैसा भी है ना, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि यस आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके लिए दिन रात सोचते हैं, ये पर्सन को अफसोस भी हो रहा है कि इनके कुछ करने की वजह से या इनके कुछ बोलने की वजह से आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, या आपने इनकी बातें ना मानी, या आपने इनको पूरी तरीके से कोल्ड रिएक्शन दिया। सो यस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत 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 तकलीफ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। ये पर्सन अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि जल भून जाना, वो वाली एनर्जी भी फील हो रही है मुझे कि यस आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है ना। तो ये दिख रहा मुझे। देखिए लाइफ में सैक्रिफाइसेस हर किसी को करने पड़ते हैं, बट आपके पार्टनर है ना ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने वाले, ज्यादा मतलब महान बनने वाले इंसान, अपनी फैमिली की वजह से जो है ना कि अपनी खुशियां दांव पे लगा दी इस पर्सन ने, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। यस सिक्स ऑफ वांड्स, यस आपके प्रति जो अट्रैक्शन है ना वो कोई कम नहीं कर सकता, देख लो फिजिकल अट्रैक्शन कितना ज्यादा है। यस मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, फिजिकली ये पर्सन काफी अट्रैक्ट है, ठीक देख रहा हूँ यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है। फिजिकली ये पर्सन एकदम से आपको देखते ही पागल हो जाते हैं, ये पर्सन फिजिकली इतना अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को, फिजिकली इन्वॉल्व इतना ज्यादा होना चाहते हैं ना आपके साथ कि मतलब कि है बहुत अलग है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को आपके साथ जो रिलेशन है ना वो रखना है, आपके पार्टनर को आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो रखना है, आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, मोहब्बत है, आपके साथ जो भी है जैसा भी एक होता है ना कि रिलेशन बनाना और रिलेशनशिप करना, तो वो एनर्जी मुझे काफी क्लियरली दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ आने की चाहत बहुत ज्यादा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके तरफ एक होता है ना कि जैसे कि हलचल सी होने लगती है, आपको देख करके बेचैनी होने लगती है, आपके पार्टनर आपके एडिक्ट हो गए पूरी तरीके से, एकदम आपका नशा है आपके पार्टनर को, नो डाउट। आप इसे इनकार नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है। आपको हो सकता है कि नहीं आपको नहीं फील होता होगा, आपके पार्टनर को बहुत फील होता है। आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है जैसे कि मतलब फिजिकल इंटीमेसी तो इनको चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए आपको देख करके, है ना। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का कार्ड एकदम से आपके साथ इस पर्सन को फैमिली बनानी है, या फैमिली को लेकर के काफी सपने हैं, हजार सपने पाल रखे हैं इस पर्सन ने फैमिली को लेकर के, आपको लेकर के। सपने काफी गंभीर हैं, सपने काफी बड़े हैं, सपने काफी ज्यादा हैं, फैमिली हो, बच्चे हो, हमारा रिलेशन हो, मतलब एक होता है ना कि सिर्फ फिजिकल होकर के नहीं छोड़ना है, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल भी बनाना है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है, और बनाना है तो बनाना है है ना। तो वो दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के अंदर, काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। ओके सो और देखते हैं कार्ड्स में, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। द फूल, फाइव ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है ना, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, काफी उदासी, काफी परेशानी हो रही है, काफी उदास है ये पर्सन, काफी परेशान है ये पर्सन, अभी मेंटली ये पर्सन बहुत परेशान है, मेंटली ये पर्सन बहुत बहुत परेशान है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड की मतलब एक होता है ना कि लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, तो वो लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे आपके पार्टनर लेके जाना चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स बहुत उदासी, बहुत परेशानी, सैडनेस काफी ज्यादा दिख रही है, सैड एनर्जी दिख रही है, ऐसा लगता है जैसे कि क्या ही करे है ना जिंदगी में, वो खालीपन अधूरापन बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर का, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर आपके साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सोच यहाँ पे दिख रही है कि मतलब एक रिस्क है आपको, अगर ये पर्सन अप्रोच करे तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे, कोई जरूरी नहीं है। सो ये पर्सन यही सोचते हैं, यही सोच रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है ना कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, या मेरे कहे अनुसार से चले, या मैं जो कहूँ वो ही करे, कोई जरूरी नहीं है, है ना।
सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर आपको फील कर रहे हैं, आपके लिए जो है फील कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको लेकर के जो फील कर रहे हैं ट्रूली फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को जो है आपसे प्यार है, आपसे कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, डीप लेवल का कनेक्शन है, ये पर्सन की फीलिंग्स है। ठीक है, जिस तरीके से देखो आपको देखते हैं ना ये पर्सन, ठीक है, जिस तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं, वाकई में देखो ये पर्सन आपके बारे में गलत नहीं सोचते हैं, गलत करने का नहीं सोचते, इनकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है आपके। ठीक, जिससे भी आप डील कर रहे हो पॉजिटिव पर्सन ही है, और देखो प्यार है तो सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा, नॉर्मल है। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे द मैजिशियन, द वर्ल्ड एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल का, सॉरी द लॉर्ड का कार्ड है। सो यस आपके पार्टनर काफी ज्यादा एक जो न्यू बिगनिंग जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, न्यू बिगनिंग की एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते में एक जो होता है ना कि चांस चाहते हैं ये पर्सन, चाहते हैं कि मतलब कि चांस मिले। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ये भी दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना उसके लिए न्यू बिगनिंग करने के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। देखो इनको आना है आपके तरफ, आपसे बात करनी है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स है ना उनको देख करके इस पर्सन को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये पर्सन काफी ज्यादा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जैसे फील कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के काफी क्लियर है। ये पर्सन को आपसे प्यार है, ये पर्सन को आपके लिए जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, ट्रूली ये पर्सन चाहते हैं कि यस ये पर्सन जो है ना आपके तरफ आए, ये पर्सन आपसे बात करे, ये पर्सन आपको अपने दिल की भावनाएं बताए, ये पर्सन मतलब एक होता है ना कि हाँ क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं ये पर्सन बताएंगे। इमोशनल फ्रीडम का भी कार्ड हमने लिया था, सो सेम एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर के कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा टू ऑफ पेंटिकल्स के अनुसार से कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। ठीक है, कि ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, थोड़ा सा इनको डाउट लग रहा है थर्ड पार्टी का। टू ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो यस आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपको जो है पसंद करते हैं, तो ये पर्सन आपको ही जो है अपना हम सफर बनाने के लिए तैयार है। ठीक, सिचुएशन बदलती है हर किसी की, और हर किसी की सोच भी बदलती है। सो आपको पता है कि ये जो कनेक्शन है ना कितना ज्यादा डीप कनेक्शन है, कितना ज्यादा सही कनेक्शन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे खास तौर से दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में तो है, यानी कि देखा जाए तो इंतजार करने की एनर्जी में तो है फाइनल। ठीक है, इंतजार करना चाहते हैं ये पर्सन, इंतजार करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और मुझे जहां तक दिख रहा है कि यस यस जरूरी है इंतजार करना। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर जो है ना सोच रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, और ये पर्सन थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको सब कुछ सही करने में। ठीक है ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा, और कोई इलाज है ही नहीं। ठीक है, सो ये मुझे नजर आ रहा है आपके कार्ड्स में, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग के अनुसार से। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलूंगी मैं आपसे फिर से दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।